चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला विच तुहाडा स्वागत है। असी संविधान का पाठ जिहड़ा पंज कर रहे सी उसनूं अज कंटिन्यू अगे जिहड़ा वधाउण जा रहे हां, जिस विच आपां पहलां प्रैजीडेंट एंड वाइस प्रैजीडेंट कर चुके हां। अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा पार्लीमेंट। इस टॉपिक नूं आपां बड़े डीपली जिहड़ा तरीके नाल करन जा रहे हां। तां सब तों पहलां आपां इस विच देखदे हां कि जिहड़ा साडे पार्लीमेंट आ उसदे किन्ने हाउस हुंदे आ, उहनां दे नेम आर्टिकल ते जिहड़े उहनां दे लई योग्यतावां। तां अज दी जिहड़ी वीडियो विच आपां मेन जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हां उह साडा रहेगा लोक सभा, क्योंकि अज वीडियो विच लोक सभा ही कवर आपां द्वारा होवेगा। तां स्टार्ट करदे हां आपां अज दा जिहड़ा टॉपिक पार्लीमेंट। सामने पिक दे विच तुसीं जिहड़ा देख रहे हो पार्लीमेंट दी पिक, तां इह जिहड़ा गा तुसीं सोचिया होना जिहड़ा हुण अपना करंट अफेयर नाल जुड़िया इक मसला गा, क्योंकि ये पहला 1927 दे विच इसका जिहड़ा नींह पत्थर लार्ड इरविन ने रख्या सीगा। ते हुण की होया, हुण नरेंद्र मोदी ने इस नूं नवां जिहड़ा बनाउण दा हुक्म जारी कर दिता गा। बेशक इस दी इहदी इमारत उह इक वधिया पई आ, बट फिर भी की इस नूं दुबारा नवां बनाया जा रहा गा आर्थिक हालात खराब होण दे बावजूद भी। सो अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक आ पार्लीमेंट, उहदे विच आपां जिहड़ा टॉपिक करांगे पहलां लोक सभा नूं कवर करांगे, लोक सभा ते राज सभा जिहड़े हाउस ने। तां अज आपां इत्थों स्टार्ट करन जा रहे हां। तां सब तों पहलां इस नूं बड़े ध्यान तरीके नाल समझना जरूरी आ तुहाडे लई। तां सब तों पहलां की आ, देखो जी, संसद दे किन्ने हाउस हुंदे आ, तुहानूं कोई क्वेश्चन पुट कर ले, संसद दे किन्ने हाउस हुंदे आ जां पंजाबी दे विच किन्ने सदन हुंदे आ, तां किन्ने हुंदे आ जी, दो, लोक सभा ते राज सभा। बहुत वारी क्वेश्चन पुट किया गया पार्लीमेंट दे हाउस दसो जी किन्ने हुंदे आ, तां दो आंसर आएगा। बट कई बार एग्जामीनर की करता गा, उत्थे पुछ लैंदा भी पार्लीमेंट दे अंग किन्ने ने जां पार्लीमेंट दे पाठ किन्ने ने, तां उत्थे आपां प्लस प्रेजीडेंट करना पऊ, आपां नूं की करना पएगा, प्लस प्रेजीडेंट। तां किन्ना आंसर आएगा, तीन, क्योंकि प्रेजीडेंट पार्लीमेंट दा इक हिस्सा हुंदा गा। कोई भी बिल लोक सभा ते राज सभा जदों पास हो जांदा तां राष्ट्रपति दी जिहड़ी प्रवानगी उह जरूरी हुंदी आ। तां इस करके आपां कहिंदे आ पार्लीमेंट दे दो हाउस हुंदे ने ते तिन्ने दे अंग हुंदे ने। उस तों अगे देखो की जरूरी है तुहाडे लई, उस तों अगे अपने लई आर्टिकल जरूरी हुंदे आ जे तुसीं डीपली पेपरां लई तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आर्टिकल हर एक पेपर दे विच दो तों लैके चार पुट कीते जा सकदे ने। तां देखो की आ किवें याद रखांगे, सस्से ते की करांगे आपां, सत्त ला दांगे इत्थे। संसद दा आर्टिकल किवें याद रखांगे, पहलां संसद लिख लांगे, फिर की सस्से ते सत्त, फिर किवें करांगे आपां, दद्दा सस्सा दस, दस दे विचों एक आह मूरला आपां लिख चुके आ, नूं की कर दांगे माइनस घटा दांगे, किन्ने रह गए जी, नौ। तां इस तरह आपां इहनूं याद रखांगे। फिर की करना, 79 80 ते 81। तां कहिण दा भाव ट्राइंगल नूं आपां एक वारी पढ़ांगे, संसद छोटा हसन जिहड़ा अपना हाउस किहड़ा गा, लोक सभा फिर राज सभा। एक वारी ट्राइंगल नूं आपां इस तरीके नाल पढ़ांगे, फिर आपां पढ़ांगे 79 80 81। पर गलती ना कर लियो कितें, 79 80 81 फिर सारा उल्ट हो जूगा। तुसीं एक वारी ट्राइंगल नूं इस तरीके नाल पढ़ोगे, इस तरीके नाल एक तरह इस तरीके नाल, तां इह गल तुसीं याद रखनी आ। इह बहुत सौखा तरीका आर्टिकल याद रखण दे, संसद लोक सभा ते राज सभा दे, तां याद हो गए होणगे तुहाडे। उस तों बाद आपां चलदे हां अगे, अगे की आ आपां हुण कर रहे हां लोक सभा नूं कवर। अज आपां किहड़े हाउस नूं कवर करांगे, ओनली लोक सभा नूं। तां देखो लोक सभा दे नाम किहड़े किहड़े आ, पहलां तुहानूं पता होणा चाहीदा भी जिहड़ा साडा लोक सभा हाउस आ इहदे होर नाम किहड़े किहड़े आ, इहनूं किहड़े किहड़े नावां नाल जाणिया जांदा गा। तां सब तों पहलां इहनूं जाणिया जांदा हाउस ऑफ पीपल, थोड़ा इत्थे स्पैलिंग मिसटेक आ, हाउस ऑफ पीपल, PEOR, हाउस ऑफ पीपल, लोगों का हाउस कहने का भाव। तो नाम से ही पता लग जाता भी लोगों का हाउस लोक सभा, तो लोग होंगे ने। नंबर दो ते पापूलरी हाउस, पापूलरी हाउस किवें याद रखांगे, भी जिहड़े साडे लोग आ पापूलर हुंदे आ, दूजे पासे राजसभा राजे जिहड़े पापूलर नहीं हुंदे। जे आपां गल कर लईए भी राजे आ जिहड़े तानाशाह हुंदे ने, ठीक है, जिवें अरब कंट्रीआं विच आपां देखदे हां। तां इस करके हाउस ऑफ पीपल ते पापूलरी हाउस ये हो गए। नैक्सट आपां देखदे हां टैंपरेरी हाउस, टैंपरेरी तों हुंदा आरजी, आरजी तों भाव की आ भी इहनूं आपां डिजोल्व कर सकदे हां, भंग कर सकदे हां, क्योंकि लोक सभा तीन तरीके नाल भंग हुंदी आ, सानूं पता गा। एक तां ऐटोमैटिकली 5 सालां बाद भंग हो जांदी आ। नंबर दो ते की हुंदा गा, जदों साडा जिहड़ियां नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाता लोक सभा दे विच, उस तों भंग हो जांदी आ। ते उस तों बाद एक जिहड़ा सिस्टम आ उह हुंदा राष्ट्रपति इसनूं भंग कर सकदा सी अपना PM दी सलाह ते। तां इह तीन तरीके जिहड़े लोक सभा नूं भंग होण दे हुंदे आ। त
तो अगला जिहड़ा हाउस आ दूजे पासे आपां कहिंदे वी राज सभा तां भंग हुंदी नहीं, राज सभा परमानेंट ही हाउस आ, राजे कदे भंग नहीं हुंदे, तां उहनूं आपां इस तरह याद रखांगे। लोअर हाउस जिहड़े लोग हुंदे ने उह लोअर हुंदे ने, छोटे हुंदे ने, ते राजे दूजे पासे की आ वड्डे हुंदे ने, तां उह की आ अपर हाउस, एल्डर हाउस। तां लोक सभा छोटा हाउस आ, राज सभा राजे वड्डे हुंदे आ, तां एल्डर हाउस आ। तां आपां इहनूं इस तरीके नाल याद रखांगे, तां आई थिंक तुहाडे याद हो गए होणगे। लोअर हाउस आपां कह लईए टैंपरेरी हाउस, पापूलरी हाउस, तो हाउस ऑफ पीपल। तो उस तो बाद आपां वधदे आं अगे, एक देखो मैक्सीमम मैंबर ऑफ लोग सभा, जिहड़े लोग सभा दे मैक्सीमम मैंबरां दी जिहड़ी गिनती किन्नी आ। इत्थे एक वचन दो तरीके नाल अग्ञानी नाल वल्लों पुट किते जा सकदे आ। एक तां पुछा जांदा भी लोग सभा ते जिहड़े मैंबर ने किन्ने हन, उत्थे तुसीं फॉर्म देखणी आ, क्वेश्चन दी की आ, है पुछया गया जां हो सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके पुछेगा, जेकर पुछा जाएगा मैक्सीमम मैंबर ऑफ लोग सभा तो किन्ने, 552। जेकर पुछा जाता प्रेजेंट मैंबर, एक्चुअल मैंबर, यह है 543 गिनती है इतने, क्योंकि जेडे हुण आपां की कीता एंग्लो इंडियन कोड जिहड़ा कास्ट का कोटा से खत्म करता 2020 दे विच 104 अमेंडमेंट राही। इस करके जिहड़ी प्रेजेंट संख्या इन्हां दी किन्नी आ, 543 जिहड़े इलैक्ट करके भेजे जाते हैं, ठीक है। नैक्सट चलते हैं अगे। उस तो बाद की आगा ये जिहड़ा कंसैप्ट की आ, देखो 543 मैंबर ने अज जिहड़े साडे असी जिता के भेजदे आ MP, किन्ने आ 543। तो 543 दे विचों हरेक आपां नूं राज्यां दे विचों दे सीटां भी याद रखनियां पैणगियां पेपरां दे पक्खों। ये आपां करांगे अलग वीडियो दे विच वी किहड़े स्टेट दे विच लोक सभा दीआं सीटां किन्नियां ने जां केंद्र शासित प्रदेश दे केंद्र किन्नियां ने। तो हुण देखो आपां इत्थे की याद रखना वी राज्यां दे विचों आपां इलैक्ट करके किन्ने भेजदे आ, जिहड़े साडे स्टेट ने जिवें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, जिहड़े साडे स्टेट ने, तो इन्हां दे विचों आपां 530 जिहड़े जिता के भेजांगे लोक सभा दे विच। लोक सभा दे विच किन्ने मैंबर भेजांगे आपां, 530। अज्ज आपां गल कर रहे हैं लोक सभा बारे। उस तो बाद क्या ड्यूटियां ने जिहड़ियां साडियां यूनियन टेरेटरीज़, जिवें साडियां 8 ड्यूटियां ने हुण प्रेजेंटली समय दे विच, ठीक है। तो उन्हां दे विचों आपां किन्ने इलैक्ट करके भेजदे आ, 13 जी, किन्ने भेजदे आ, 13। पहला कंसैप्ट की हुंदा सीगा, इत्थे इस तरह हुंदा सीगा भी दो मैंबर प्रेजिडेंट नोमीनेटेड करदा हुंदा सीगा, टू मैंबर जिहड़े मैंबर सीगा नोमीनेटेड बाय द प्रेजिडेंट, 331 आर्टिकल थ्रू अधीन करदा हुंदा सी, 331 दे थ्रू। हुण एंग्लो इंडियन जिहड़ा कोटा हुंदा सीगा एंग्लो, हुण कईआं नूं एंग्लो इंडियन पता नहीं हुंदा, पढ़ी जांदे आ एंग्लो इंडियन की हुंदे सीगे। एंग्लो इंडियन दा मतलब की हुंदा गा, जिस तरह माता पिता दे विचों इक भारती होवे ते इक विदेशी होवे, फॉर एग्जाम्पल आपां कह लईए प्रेंटीजेंट। तो इस तरह वो जिहड़ा कोटा हुण जिहड़ा आपां आह वाला खत्म करता, ये तुसीं याद नहीं रखना। एक जे एक पुछया जांदा वी एंग्लो इंडियन दा जिहड़ा कोटा कदों खत्म किया, जां इह किहड़े आर्टिकल थ्रू पहलां हैगे से, 331 दे अधीन सीगे, 104 अमेंडमेंट राहीं आपां कीता गा, आ जिहड़ा 2020 दे विच अपनी अमेंडमेंट होई उहदे विच आपां खत्म करता इह। तां अज्ज आपां चलदे हां उस तों बाद अगे, नैक्सट अगला देखो की आ जी। अगले दे विच आपां की पढ़न जा रहे हां वी जिहड़ी 31वीं अमेंडमेंट राहीं 1973 राहीं इहदी जिहड़ी मैंबरां दी संख्या हुण किन्नी करती, इहनां ने 525 करती सी। उस तों बाद पहलां किन्नी हुंदी सी ओरिजिनल, तुहानूं कोई पुछ ले, 499 स्टार्टिंग दे विच 499 से, बस आह तुसीं बेशक ना याद रखो क्योंकि इत्थे 545 आई थिंक। तो इत्थे की आ ओरिजिनली मैंबर ऑफ लोक सभा किन्ने सीगे, ये हैगे सी 499, जदों जिहड़ी अपनी ओरिजिनल गिनती कह लईए आपां स्टार्टिंग होई आ, तो ये 499 मैंबर सी। तो जिहड़े प्रेजेंटली मैंबर होए ने इत्थे 31 अमेंडमेंट 1973 राहीं, हुण इत्थे 545 मैंबर आ, जिहड़े 43 करते सी, हुण तां 43 रह गए क्योंकि दो खत्म करते, 543 जिहड़ी गिनती 31 अमेंडमेंट राहीं होई आ। उस तों बाद की आ अस्टैबलिश ऑफ लोक सभा, जिहड़ी साडी लोक सभा अस्टैबलिश कदों होई आ, कदों बणी आ, ये बणी आ 17 अप्रैल 1952 नूं। तो इहदी जिहड़ी फस्ट मीटिंग होई आ, चाहे वह लोक सभा पुछी जाए चाहे वह राज सभा पुछी जाए, ये 13 मई नूं होईआं ने दोनों दीआं मीटिंगां, ठीक है। ये होईआं ने 13 मई 1952 नूं, मीटिंगां दा टाइम सेम आ, याद रखियो। देखो मीटिंगां दा टाइम सेम आ, चाहे तुहानूं लोक सभा दी मीटिंग पुछ लैन फस्ट, चाहे पुछ लैन राज सभा दी, बट इहदी अस्टैबलिश डेट अलग अलग आ। इहदी हैगी 17 अप्रैल 1952, तो दूजे पासे राज सभा की हैगी 3 अप्रैल 1952। तो एक इत्थे एक वचन होर पुट किया जाता हुंदा वी जिहड़ी साडियां पहलियां चोणां कदों होईआं ने, यह हुई ने 1951-52 दे विच जाके, ठीक है। साडे कोई प्लैनिंग कमीशन चलिया तो आम तौर पर इहनां दा आंसर 1951-52 ही मोस्टली आउंदा हुंदा, तां याद रखना तुसीं ट्रिक। उस तों बाद की हैगा रिजर्वड सीटां ने जिहड़ियां साडियां रिजर्वड, कहने का भाव राखवा करन दा तुहानूं कोई कंसैप्ट पुछ ले, भी सानूं जिहड़ा लोक सभा हैगा उहदे विच एससीआं नूं किन्नियां सीटां दित्तियां गईआं ने, ते
एससीआ ते एसटीआ नूं किन्नियां दित्तियां गईआं ने, तां टोटल किन्नियां ने, तां इहदे विच एससीआ लई किन्नियां सीटां ने 84 ते एसटीआ लई हैगियां ने 47। तां इह तुसीं याद रखना एससीआ लई किन्नियां सीटां ने, शड्यूल कास्ट ने जिहड़ियां साडियां 84 सीटां ने किन्नियां चो 543 दे विचों, ते एसटीआ लई किन्नियां हो गईआं जी 47। टोटल किन्नियां हो गईआं 131 सीटां राखी मैंने लोक सभा दे विच। तां ओबीसी लई ली जां वीसी लई इहदे विच कोई राखवां करना नहीं हैगा। ये कि आर्टिकल अंडर 330 के 330 ए आर्टिकल आदि अंडर आप 131 सीटा जो राखवियां दी गई ने लोग सभा के जोड़ा आप राखवा करने बारे संविधान का पाठ 16 के पढ़ा जिद अपना एससी एसटी संबंधित 330 तो लैके 42 तक चलता है पाठ जो अपना, ठीक है। तो उत्थे आके इन आप कवर करा। उस तो बाद देखो एक 95 अमेंडमेंट देख रहे हो तुम जी संविधान के 95 सोध हो 2009 ये की होया जिहड़ा साडा एससी एसटी लई राखवा करना वो कदों तक वधाता सीगा 2020 तक, तां इह तुसीं याद रखना। हुण की आ देखो हुण की हो गया 2020 आ जिहड़ा वो खत्म हो चुकिया। हुण की होया हुण अपनी एक सोध होगी संविधान दे विच 104 लास्ट सोध आ अपनी संविधान दे विच जिहड़ी हुण होई आ, लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि तां हो ही जांदे ने अगे दी अगे। तां इहदे राहीं की कीता एससी एसटी नूं जिहड़ा राखवा करना 2020 तों जिहड़ा सोध राहीं किन्ना करता 2030 तक, 2030 तक किया कि सोध राही 104 अमेंडमेंट राही, ठीक है। इतने करंट के भी क्वेश्चन थोड़ा पुट किया जा सकता गा, जिमें अपना जोड़ा 10% दिता जानू कि अमेंडमेंट दिता गया, इस तरह के क्वेश्चन जी आम तौर पर बनते रहेंगे। ज 104 अमेंडमेंट में की होया आप करा भी जो दादरा नगर हवेली आ दमन ते दीऊ आ एक जॉइंट ड्यूटी भी ये थ्रू बनाया गया, ठीक है। आप 8वें पार्ट के करा तो यह याद रखना। उस तो बाद 61वीं संविधानक सोध आ जी जी सा 61वीं संविधानक सोध आ वह किमें रिलेट है ये नाल, देखो ये की किया 1999 के हुई सी जी सा 61वीं संविधानक सोध कदों हुई सी 1999 के की करता जो सा बालग मत अधिकार आगा पहला वो उम्र होंगी सी 21 साल हूँ कि करती इन्होंने घटा के 18 साल 21 साल तो घटा के 18 साल कर दी। ये कदों की जड़े सन च की सोध राही की क्वेश्चन तुम याद रखना। इस तो 100 साल पहले 1899 के 21 साल आप मिथी सी भी जी सा वोट देने की उम्र वो किन्ने साल की होगी 21 साल की जी कि आप 1899 21 मिथी सी 1999 100 साल बाद 21 तो घटा के कि करती 18 साल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी बार पेपर च पुट किया गया भी बालक वोट अधिकार की उम्र 21 तो घटा के 18 किहड़ी सोध राही की गई आ किहड़े सन दे विच की गई आ, ठीक है। तो तुसीं याद रखना जी। नैक्सट चलते हैं जी अगे, अगला देखो आप क्वेश्चन वोट पाउण दा अधिकार आ जिहड़ा साडा की आ कानूनी अधिकार आ कि आर्टिकल अंडर 326 दे अंडर जी याद रखियो भी जिहड़ा साडा वोट पाउण दा अधिकार जिहड़ा साडा 326 आर्टिकल दे अंडर आउंदा गा। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ तुहाडे लई। उस तो बाद की आ 42वीं सोध, बार बार 42वीं सोध आ रही है तुहानू पता आपां ट्रिक भी करा चुके हां भी 42वीं सोध 1976 दे विच होई आ। तां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तब्दीलियां कीतियां गईआं इस दे विच, तां इत्थे की होया सीगा 42वीं संविधानक सोध 1976 राहीं जिहड़ा लोक सभा का कार्यकाल आप अज 5 साल पढ़ांगे 5 साल सीगा, ठीक है। ये बढ़ा के किन्ना करता गा 6 साल, किन्ना करता जी 6 साल कार्यकाल करता इहदा। पहला किन्ना हुंदा सीगा 5 साल, हुण तुसीं कहोगे हुण तां 5 साल आ बट नहीं, फिर अगे जाके जिहड़ी 44वीं सोध आ साडी उहदे 1978 राहीं किन्ना करता फिर 6 साल तो घटा के किन्ना करता 5 साल, ठीक है। ये पॉइंट तुहाडे लई याद रखने वाले आ, याद रखियो। अगला की आ देखो अगे की आ एक अपने संविधान के 84 अमेंडमेंट हुई है 2001 के 84 अमेंडमेंट हुई है 2001 के राही की किया इन्होंने जी सा लोग सभा सीटा सगिया जिमें आप अच्छ लोग सभा सीटा कर रहे हैं भी अलग अलग स्टेटा जिमें आप पंजाब के 13 सीटा ने जिमें लोग सभा दियाँ तो अपने राजस्थान अलग अलग हरियाणे सब तो वध कितें मैक्सीम यूपी के थोड़ा पता। तो लोग सभा राज सभा जिहड़ियां साडी विधानसभा ने स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली इन्हां दी गिणती सेम रहेगी कदों तक 2026 तक, इन्हां दे विच कोई हेर फेर नहीं होएगी कदों तक 2026 तक। तां किहड़ी सोध गल करदी आ 84वीं सोध 2001, तां कदों तक जिहड़ी गिणती सेम रहेगी 2026 तक लोक सभा राज सभा ते विधानसभा दीआं सीटां दी गिणती आ जिहड़ी ओह सेम रहेगी। जिवें पंजाब दे विच गल कर लई हुण 117 ने 117 ही रहिणगीआं ते लोक सभा दीआं जिहड़ियां अपणे हैगीआं ने 13 राज सभा है पंजाब 7, तो इन्हों की गिनती जी 2026 तक इस तरह बरकरार रहेगी। उस तो बाद की होएगा जो तो कोई साड़ी अपनी अगली जनगणना होएगी, ठीक है, 31 च जाके होएगी या 21 तो बाद होना, तो उदों जी इन्हों की गिनती हेरफेर हो सकती है।
तो नैक्सट आप देखते हैं एक साडा ना परसीमन योग हों अपना परसीमन पंजाबी जी परसीमन योग कहने परसीमन ये तो एक वचन ही बनता परसीमन। देखो जो परसीमन उद्योग आ कमीशन हों परसीमन कमीशन ठीक है इन इंग्लिश लिमिटेशन कमीशन बोल देंगे परसीमन कमीशन ये करता यदा काम की हों हलकाबंदी करनी की करना जी सीटा की हलकाबंदी करनी डिसाइड द सीट्स ठीक है। हुण तक चार वारी इन्हां दी गिनती विच वाधा कीता जा चुकिया हुण तक जे आपां गल कीती सी लोक सभा दी स्टार्टिंग जिहड़ी गिनती 499 सीगी ठीक है तो हुण तक वाधा किन्ने वारी हो गया चार बार पहली बारी कदों होया 1952 दे विच फिर 1963 फिर होया 1973 दे विच ठीक है तो लास्ट दे विच कदों होया 2002 दे विच। एक वचन भी पेपर च आम तौर पर पुछया जांदा भी उस समय जिहड़ा साडा कौन सीगा जिहड़ा अपना मुखी न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह काफ़ी बार पेपर च आया होया आ मास्टर केडर के भी आ चुकया जो हूँ हो चुकिया जो अपना जो हूँ हो पिछे जी तो यह क्वेश्चन बनता हूँ पेपर के जड़ा क्योंकि जी देखो इतने आम यह भी गलत कर दें भी जोड़ा जनगणना होंगे अपन पता भी 2001 के हुई हो पर जड़े सीटा की हलकाबंदी की वह 2000 कदों की आ 2001 साल बाद की है जरूर याद रख लियो ठीक है भी 2001 से जनगणना होगी अगर जी सीटा की जी बनतरा जी अगे पिछे इस तरह याद रखियो ठीक है। नैक्सट आप चलते हैं अगे अगला जोड़ा स्लाइड है देखो सब तो अधिक मतदाता वाला लोग सभा खेत्र केड़ा गा पॉइंट याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट आ भी सब तो अधिक मतदाता वाला लोग सभा खेत्र केड़ा गा साडा यह है वारी दिल्ली जिते सब तो वध वोट दा पाउण वाले रहिंदे आ लोग सभा खेत्र ठीक है। उस तो बाद घट वाला केड़ा सब तो घट वाला हैगा लक्षद्वीप केड़ा गा लक्षद्वीप नंबर दो तो खेत्रफल से पुछया जाता इतने दो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एक खेत्रफल खेत्रफल जो आप कह दिए भी इस तरह भी बड़े एरिए जाके जी सीट आ प्रोपर होंगी आ जिमें कि जिते जी वसों वो विरली आ मान लो जिथे वसों विरली आ उत्थे की होएगी लोग सभा खेत्र ऑटोमैटिकली की होएगा बड़ा होएगा तो वह कि बड़ा सब तो लोग सभा खेत्र कि लद्दाख ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर च आ चुके भी खेत्रफल के पक्षों जो सब तो बड़ा लोग सभा खेत्र कि सब तो छोटा कहड़ागा छोटा कहड़ागा चांदनी चौंक ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मतदाता पक्षों याद रखा ये आप रखा खेत्रफल के पक्षों ठीक है याद रखने वाले पॉइंट आते तो अगे देखो जी नैक्सट देखो लोग सभा कार्यकाल कि हों सभा कार्यकाल मैं दस ही चुका हूँ तुम्हें भी यदा कार्यकाल आम तौर पर 5 साल का हों ठीक है बट इन 5 साल तो पहला भी भंग किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा ये भंग होने के तरीके किन्ने होंगे 3 तरीके होंगे एक तो ऐटोमैटिकली 5 साल जिमें हम 2019 अपनी लोग सभा बनी है तो 2024 ऐटोमैटिकली खत्म हो जाएगी एक की हों राष्ट्रपति भंग कर दिता एक तो लो कॉन्फिडेंस का मोशन लग जाता ठीक है कि इस तरीके जी भंग होंगी तो एक क्वेश्चन पूछा जाता भी समूहिक मंत्री जी सांतरी परिषद आ जी समूहिक मंत्री परिषद आ वह कि प्रति उत्तरदायी होंगी तो वह होंगी अपनी लोग सभा प्रति ना कि राजसभा प्रति जिमें जी मंत्री परिषद होंगी सेंटर के उत्तरदायी कि प्रति होगी लोग सभा प्रति कि आर्टिकल थ्रू 75 के क्लो अंदर जाके 3 तो इस तरीके याद रखोगे भी किड़े जी मंत्री परिषद कि प्रति उत्तरदायी होंगी आ अगे देखो जेकर पुछ लेंदा यहाँ आप किया समूहिक कोलैक्टिव इतने इंग्लिश वर्ड पाएगा कोलैक्टिव जी साड़ी कौंसल ऑफ मिनिस्टर ने जे कि प्रति रिस्पोंसीबल हो गए हूँ की आ व्यक्तिगत व्यक्तिगत की होंगे इंडिविजुअल जिमें मैं मेरे कोई अहदा ओनली ठीक है कला व्यक्ति हाँ मैं मेरे कोई अहदा गा तो मैं अपने कि प्रति उत्तरदा हूँ अपने जो मेरे को डिपार्टमेंट आ कोई जो मैंने कोई डिपार्टमेंट दिता हुआ मैं वो प्रति जवाबदेह हूँ तो देखो कोलैक्टिव जोड़े होते प्रति हो गए लोग सभा प्रति जो इंडिविजुअल पूछा जाता अपने महकमे अवर डिपार्टमेंट ठीक है ये तरीका अगे की आ जोड़ा संकटकालीन स्थिति होंगी आ एमरजेंसी लग जाती है कई बार है ना आप पार्ट 18 के करा जोड़ा सा 352 तो लैके 60 तक चलता गा साड़िया एमरजेंसी पावर ने ठीक है 352, 56 ते 60 वो आप प्रोपरली इनू डीपली पढ़ा तो इतने आप देखा भी जो तो साड़ी संकटकालीन शक्ति की घोषणा हो जाती है संकटकालीन जी 352 लग जाती है तो की हों 352 लगन 352 कदों लगते मैं दस देना थोड़ा जहा जो अपने देश से कोई अटैक हो जाए हमला हो जाए एक तो उदों लगती है एक कदों लगती है ज एक जो कोई अपने अंदरूनी गड़बड़ हो जाए क्योंकि अपने 2 बारी लग चुकी आ 3 बारी 2 बारी तो लगी हमले करके जिम्मे 1962 के अपनी चाइना नाल जंग लगी सी उस टाइम लगी सी नंबर 2 ते एक अपनी लगी आ 1971 के पाकिस्तान नाल जंग लगी सी उस टाइम तो एक 1975 के अपने अंदरूनी विद्रोह करके लगी आ इंडिया अपने जिहड़ा इंदिरा गांधी के समय ठीक है। तो की हुंदा गा संकटकालीन स्थिति के लोग सभा का कार्यकाल एक एक साल करके की करते आपां
एक एक साल करके अनिश्चित समय तक वधाया जा सकता। अनिश्चित तो भाव की आ इतने कोई टाइम लिमिट नहीं हैगी भी एक बार वधाया जाऊ दो बारी। मान लो इतने पांच साल पूरे हो गए तो उस बाद एक एक करके ये अनलिमिटेड समय तक ही वधाया जा सकता गा। ठीक है, चाहे दस साल चली जाए कहने का भाव यह कोई टाइम पीरियड निश्चित किया गया। जिवें स्टेट एमरजेंसी का किया गया तीन साल, जी स्टेट एमरजेंसी है किसी राज्य में तीन साल तो वध नहीं लाई जा सकती, जो लाउनी है तो की करना पेगा संविधान के अमेंडमेंट करनी पैंती होंगी है। ठीक है, तो यह जरा याद रखना भी संकटकालीन स्थिति में जो कार्यकाल एक एक साल करके वधाया जा सकता गा अनिश्चित समय तक। जो आप गल कर लिए 2019 के पुलवामा की जी घटना वापरी सी, हो सकता जो उदो एमरजेंसी लग जाती तो जो 2019 वाली लोकसभा चोणा सी वो एक साल डिले कर दी जाए। ठीक है, तो इस तरह अगे की है 1975 के होया 1975 के जी मैं थोड़ा एग्जाम्पल दस रहा अपने एक बार होया हो कदों होया हो 1975 के अपनी पांचवीं लोकसभा से किनवीं लोकसभा सी पांचवीं लोकसभा से समा कि इंदिरा गांधी का तो 1975-76 की गल आने की किया गया दो बार यदा कार्यकाल वधाया जा चुकिया गा। कि हो गया पांच प्लस एक तो कि हो गया सत्त साल। अपने इंडिया के सिर्फ एक बार एक जी घटना वापरी हुई आ संकटकालीन स्थिति जो जी अपनी पावर की जी वरतों की इंदिरा गांधी ने उस समय हुई सी करता तो राष्ट्रपति हों वैसे। ठीक है, अपना मंत्रिमंडल के कहने करता हों आप समझावे उत्थे तो अपने एक बार जो लोकसभा का कार्यकाल सत्त साल रहा। जे पुछ ले तुम कि लोकसभा सी पांचवीं लोकसभा सी कदों सी 1975-76 के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपोर्टेंट आ। नहीं लोकसभा का कार्य कि होंगे पांच साल तो थोड़ा मैं दस भी चुकिया भी 42वीं सौ के 6 साल भी करता से 44वीं घटा के फिर कि करता अपना दोबारा 5 साल। तो अगे देखते हैं जी, अगे देखो एक जे सा बिल होंगे ने बेसक आप बिल टाइप अलग करा भी जे बिल कितने तरह के होंगे चार तरह के होंगे। ठीक है, कि ऑर्डनरी बिल होंगे, मनी बिल होंगे, फाइनेंस बिल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होंगे, ये चार तरह के बिल होंगे। तो हम आप इसे गल करते हैं जेडे साडे धन बिल आ जिहड़ा साडा धन बिल आ इहदे संबंधी अंतम फैसला किहदा होगा, अंतम फैसला किहदा होगा, वह किहदा होगा लोकसभा का। क्योंकि जिहड़ा धन बिल होंदा यह हमेशा लोकसभा दे विच इंट्रोड्यूस किया जाता। तीन बिल होंदे जिहड़े लोकसभा दे पेश किए जाते हैं पहला फिर राज्यसभा जाते हैं। किहड़े एक तो हो गया अपना लोक अपना धन बिल हो गया जिन्हें आप मनी बिल कह दें, एक फाइनेंस बिल हो गया, एक साडा बजट हो गया। ये पहला लोकसभा ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उस तो बाद कितने जाएंगे राज्यसभा दे विच। जां जे कोई पुछ ले भी धन बिल संबंधी अंतम फैसला किहदा होगा लोकसभा का, बट कई बार ऐ पुछ लेंदे आ भी धन बिल संबंधी अंतम फैसला किहदा होगा, उत्थे ऑप्शन पाऊगा राष्ट्रपति का, स्पीकर ऑफ लोकसभा जां राज्यपाल। इस तरह तो कौन आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इस तरह याद रखना क्योंकि स्पीकर भी लोकसभा ही होंगे मेन। ठीक है, बेसक स्टेटा के अलग होंगे अलग गल आप अलग करा। तो उस तो बाद धन बिल हो गया वित्तीय बिल बजट, ये पहला लोकसभा पेश किए जा सकते हैं, दस ही चुके मैं थोड़ा 80 पॉइंट। ठीक है, तो एक की हैगा धन बिल से संयुक्त बैठक नहीं होंगी, ये आप टॉपिक अलग करा भी जी ज्वाइंट सेटिंग आ जी संयुक्त बैठक 108 के थ्रू बुलाई जाती है, ये धन बिल तो पॉसीबल नहीं होंगी, धन बिल तो नहीं आप बुला सकते। की भाव हों भी लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेटिंग जी राष्ट्रपति बुला हों आप धन बिल तो नहीं बुला सकते। ठीक है, अगे की है देखो जी एक करंटरी थोड़े क्वेश्चन बन गए, लोकसभा विरोधी दल का पहला नेता किहड़ा सीगा, लोकसभा दे विच विरोधी दल का पहला नेता किहड़ा सीगा, क्योंकि लोकसभा विरोधी धिर हुंदी आ आपां पता। मान लो आप पंजाब दी एग्जाम्पल लै लैंदे आ, सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए पंजाब दे विच पार्टी सत्ता दे विच तुहानूं पता कांग्रेस आ, विरोधी पार्टी विच किहड़ी आ अपनी आम आदमी पार्टी आ। तो आम आदमी पार्टी ने अपना विरोधी धिर का नेता किहनूं लाया होया हरपाल चीमा नूं, ते उस तो बाद जी डिप्टी पुछ लैण सरबजीत माणूके। इस तरह की होंदा गा लोकसभा दे विच वी विरोधी धिर हुंदी आ, तां इहदा जिहड़ा पहला नेता सी होगा जी राम एस सिंह। ठीक है, हुण की आ जिहड़ा वर्तमान समय दे विच लोकसभा दे विच विरोधी धिर दा नेता होगा अधीर रंजन चौधरी। ये तुसीं देखो बेशक मैं इत्थे तुहानूं करा रहा, हो सकदा कल नूं करंटली इह बदल जाण, तां तुसीं की करना इन्हां नूं करंटली ही सर्च करके देखना भी हुण करंट दे विच कौन आ। ठीक है, तुसीं ध्यान च रखणे ने जिहड़ियां करंट अफेयर च बदलदियां रहिंदियां ने। उस तो बाद की लोकसभा विच जिहड़ा सैकटरी जनरल हुण कौन साडा, उह हैगा उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार, तो यह भी तुसीं याद रखना गा। नैक्सट आप देखते हैं 1969 तक लोकसभा दे विच विरोधी धिर दे विच कोई जिहड़ी पदवी पोस्ट नहीं हुंदी सी, तां देखो ना लोकसभा च हुंदी सी ते ना ही राज्यसभा दे विच, विरोधी धिर दा कोई नेता नहीं हुंदा सी कहिण दा भाव। ठीक है, तो 1969 तक उदू बाद कहिण दा भाव स्टार्टिंग हुई आ।
तो जेकर पूछा जाता भी लोग सभा विरोधी दल के जी पहली इसतरी कि वह कि सोनिया गांधी तो आप इतने कर चुके हैं। पहला नेता जेंट्स ये कौन आ पहली इसतरी सोनिया गांधी, ठीक है, लोग सभा विरोधी दल का नेता पहली इसतरी तो कौन आ सोनिया गांधी, ठीक है। तो ये जेडे अपने लास्ट ही हाँ उस तो बाद आप देखते हैं भी ये बेशक दोनों सदन लिए आप गल करा भी जेडे सदन के मैंबर की मैंबरशिप किमें खत्म हो जाती है, संसद के मैंबर की जी मैंबरशिप किमें खत्म हो जाती है, तो ये थोड़ा दसना पॉइंट की आ। देखो जी आप गल करते हैं भी जेडे साडे संसद के मैंबर ने लोग सभा के मैंबर आ राज सभा के मैंबर इन्हां दी मैंबरशिप किहड़े किहड़े तरीके खत्म होंदी आ, तो ये तीन तरीके आ। एक तो की होंदा क्वेश्चन पेपर चाहुंदा होंदा बहुत बारी भी 60 दिन जदों कोई बिना दसे बिना सूचना दिते कोई गैर हाजिर हो जाए तो की होंदी आ उहदी जिहड़ी मैंबरशिप खत्म कर दित्ती जाऊगी, किन्ने दिन 60 दिन जां उत्थे पा दूगा 2 मंथ 2 मंथ तो तुसीं याद रखना, ठीक है, इत्थे कितें उलझ नहीं आना। कई बार थोड़ा जिहा शब्दां दा हेर फेर हो जाता तो उहनूं समझना, ठीक है, गल नूं। नैक्सट की आ पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध में वोट दे जो कोई देखो भी ये बड़ी हो फिर वोट दे ना आप कहने भी यार नरेंद्र मोदी आ बड़े है ना सख्ती वाले जोड़े अपने बिल पास करी जा रहे क्यों वो यही कारण है गा क्योंकि जोड़े पार्टी के मैंबर होंगे ने वो पार्टी के निर्देश के विरुद्ध वोट नहीं दे सकते, ठीक है, जो वोट देने तो मना नहीं कर सकते, जेकर करे तो उन्हों की मैंबरशिप जी खत्म हो जाती है। तो यही कारण आ कि सिटीजन अमेंडमेंट क्यों पास हो गया बिल जोड़ा किसान बिल क्यों पास हो गए थोड़ा पता सेंटर के मेजोरिटी कि नरेंद्र मोदी की, ठीक है, यही कारण है। अगला की आ मर्जी नाल पार्टी तो त्याग पत्र देने ये तीन तरीके आ जेडे साडे की होंगे जिन्हें राही अपने किसी सदन के मैंबर की मैंबरशिप खत्म हो जाती है, तो यह तीन तरीके जेडे याद रखने हैं, ठीक है। तो ये अपना जोड़ा है लोग सभा तो एज दसता थोनों मैं भी कि चाहिए आ जी अपनी एज 25 साल, ठीक है, तो नहीं डिस्कस किया आप देख जी एज आ मैं दोबारा देख दसना भी लोग सभा मैंबर बन ली अपनी जी एज आई तो 25 साल होनी चाहिए आ पहला भी थोड़ा ये दस चुकी हाँ भी लोग सभा मैंबर बन ली एज कि चाहिए आ 25 ईयर राज सभा होंगी आ 30 साल तो यह पॉइंट याद रखना गा। तो लोग अपने पंजाब कि सीटा ने 13 सीटा ने यह थोड़ा अगे आप डिस्कस करावे। तो यह जो अपना अज का जो टॉपिक सगा लोग सभा तो जेकर वीडियो चंगी लगी इस जो सबसक्राइब जो चैनल जरूर किया जाए तो प्ले स्टोर के जाके जो अपना, ठीक है, ऐप है जी चाणक्य एजुकेशन अकैडमी की उसमें जोड़ा तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो नैक्सट आप जी मिलते हैं अगली वीडियो राज सभा के नाल तो राज सभा बारे जो आप करांगे दे विच काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट वो भी जो इंट्रस्टिंग टॉपिक है कहने का भाव तो इस करके जो आप लोग सभा राज सभा बारे दोनों सदन बारे सूँ जी प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी होंगी है। इतों पेपर काफ़ी जो क्वेश्चन वो पुट किए जाते हैं इस करके अज का जो अपना टॉपिक से इतने तक सीम सो थैंक यू वेरी मच। जेकर वीडियो चंगी लगी लाइक तो शेयर जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।